असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे मैं कॉट ब्रांड न्यूटी के साथ। सबसे पहले आपको सस्ती शेयरें सुनाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि करोड़ों लोगों का रैंक पुश करवाया है जर्की ने। वाह 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 वाह, करोड़ों लोगों का रैंक पुश करवाया है जर्की ने। अगली लाइन हम सुनाएंगे आपको बाद में, पहले ये सुनो। तो गाइस, अब सब मेरे से पहली वाली लाइन बोलोगे, अर्ज किया है करोड़ों लोगों का रैंक पुश कराया है जर्की ने, साइलेंट की बेइज्जती कर दी लड़की ने, सस्ती शायरी विद एनोनिमस। बाबा जी, कुछ ऐसा हुआ कि हमारे साइलेंट भैया ऑल पे गए, जाके कहते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है, और हमारी बहन ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि कोई नहीं, और साइलेंट की बेइज्जती हो गई। मैं इतना हंसा जोर जोर से, हा हा है ना गज़, थी ना बेइज्जती वाली बात। हमारी बहन ने क्या आंसर दिया, साइलेंट भैया की जब बैंड बज गई। तो उसके बाद हम यहाँ पर लूट करने आए थे जॉर्ज पुल यानी अपने लाहौर, और यहाँ पे गाइस मुझे क्या मिलता है, दो दो M24 और कार 90 मिल जाएंगे, लेकिन मतलब दो दो बोल्ट एक्शन मिल जाती है। VSS लेके गया ये भाई, अंदर घूम रहे हैं, मुझे लगा ये वेयरहाउस क्रॉस करेंगे तो यहाँ से मार दूंगा, बट इन्होंने वेयरहाउस क्रॉस नहीं किया, यहीं पर आ गए थे, और इनके पास थी डबल बैरल। कितने तो लैग हो रहे थे ये भाई, जान निकल गई थी मेरी। ओके, उसके बाद हमें M24 मिली, तो हम VSS की जगह M24 उठाएंगे, ठा करके हमारा हेडशॉट पे, और अब करेंगे इनकी लूट, जो कि कुछ हमें ज़्यादा अच्छा मिला नहीं। अब बाबा जी, यहाँ आप देखोगे नो स्कोप हेडशॉट, ये वाला नहीं था। ओ हो, अभी आएगा गाइस, माशाल्लाह, ठोक दो गाइस लाइक बटन, सब के सब जाके दबा दो लाइक बटन। ऑल पे चैलेंज हो रहा था भाई कि जॉर्ज पुल आना है, तो हम आ गए थे जॉर्ज पुल, और यहाँ पर आके ना गाइस बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी हमें। मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई, लाइक लूट नहीं थी, नॉक हो रहे थे, बंदे ज़्यादा थे, लेकिन बाबा जी टेंशन नहीं लिया करो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। और मैंने अपना ही डायलॉग उल्टा बोल दिया था, लॉल। बाबा जी फिर हम यहाँ रश करते थे, क्योंकि एक बंदा नॉक था, दो बंदे थे यहाँ पे, एक नॉक है। अब एक को तो मैंने डाउन किया, हॉर्स देखो, स्लो करके देखो, दोबारा पीछे जाकर देखो, एक बंदा लेटा हुआ था वहाँ पे, बैंड बजा दी उसने। अब देखो, मतलब आप अपने एनोनिमस का लेवल देख रहे हो, कि एक कार 98 और एक M24 लेके रश कर रहे हैं दो दो बंदों पे। फिर हमें यहाँ पे रिवाइव मिला। अब गाइस ऐसा सीन था कि एक स्क्वाड यहाँ पे बाकी था, और हम लूट कर रहे थे ऊपर वाली साइड पे, आराम सुकून से एक साइड पर आकर लूट कर रहे थे, अभी एक स्क्वाड बाकी है, पाकिस्तानी स्क्वाड था वो। तो यहाँ पे साउंड आ रहा था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो थोड़ी ख़तरे वाली बात थी, तो इसलिए हम ना एक साथ ही थे, कि अगर कोई नॉक होता है तो फ़ौरन से उसका टीममेट वहीं पे पास में होगा, इसलिए पास थे हम। तो उसके बाद हम लोग क्रॉस करते हैं, एमओ मेरे पास 7 की गन नहीं है, लेकिन मैंने अपने टीममेट के लिए उठा ली थी एमओ, आप भी ऐसे किया करो। अब सामने वेयरहाउस में बंदा नज़र आता है टीममेट को मेरे, और वहाँ पे हम थोड़ा साइड पे आए थे, और मुझे भी गोलियाँ पड़ने वाली हैं, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया था, जब गोलियाँ पड़ी तब नज़र आया। आई गेस ये वही लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया था, तो हम यहाँ पे रुके रहे, और फिर हीलिंग वीलिंग नहीं थी टीममेट को, एमओ गिरा दी मैंने अपने साइलेंट भैया को। और अब हमने क्या प्लान किया, कि मैं एम करके बैठूंगा वेयरहाउस पे, क्योंकि मेरे पास 6x है, और साइलेंट भैया हमारे रश करेंगे, और ऐसे ही हमने किया। जैसे वो बंदा बाहर निकला, हमने फ़ौरन से अपनी M4 6x को डाउन किया, ऐसे टीम वर्क करते हुए फिर हम आगे रश कर रहे हैं। यह बॉट भैया हमारे बम में गोलियां मार रहे हैं, तो बाबा जी कुछ ऐसे हमने मौत कुछ हुआ, और टक से वापस आ गए अकल इस्तेमाल करते हुए, 1v3 कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखो लूट के भूखे भूखे नंगे टीममेट्स हमारे कैसे लूट कर रहे हैं, और ये हमारा लॉ फॉल। फिर जब मैं बोलता हूँ कि लूट उठा ली, बताऊँ क्या गाइस क्या कहते हैं, कहते हैं आपका ही लॉ है, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 लूट का, नो मजाक। फिर मुझे मेरा डायलॉग मुझ पर चिपका देते हैं और बच जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी आई थी, लेकिन ये एनोनिमस की पब्लिक थी, कि मीटअप वाले भाई लोग थे हमारे, तो हमने इनसे मीटअप किया, और फिर बोला भाई लास्ट में मिलेंगे प्लीज़, पहले हमने गपशप लगाई। लेकिन गाइस ऐसा होता ना कि अगर बंदे होते तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती, तो मतलब हमने बातचीत की और फिर लास्ट में मिलने का प्रॉमिस किया। हेलो,
पानी में फेंक दिया भाई, फैन फैन भाई, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन ब्रो। ये आज, ये आज, ये आज। उसके बाद गैस हम निकले थे, हमारे पास कोई लूट नहीं थी। आप देख सकते हो मेरे पास जस्ट गन्स ही हैं, हेलमेट वेस्ट नज़र आ रहा है और एक बैंडेज, एक पेन किलर और एक बूस्टर नहीं है कहाँ। अच्छा गैस, ऐसे टाइम पे आपको वो दिन याद आते हैं जब आप छः छः फर्स्ट एड और पेन किलर इतने ज़्यादा बूस्टर उठा कर रखते हो। आप सब मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप ना पेन मतलब कितना कितना क्या चीज़ कैरी करते हो। मैं कैरी करता हूँ, मेरे होते हैं बैंडेज 3, फर्स्ट एड 2, एक मेड किट, एक टिक्का और एक बूस्टर होता है पेन किलर, और बाकी मेरे ख्याल 3-4 मेरे होते हैं एनर्जी ड्रिंक। ये चीज़ होती हैं जो मैं ऑटो पिक पे लगाता हूँ। 3 स्मोक, 2 ग्रेनेड्स होते हैं मेरे पास। लेकिन फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं था, बैंडेज मिले उसके बाद हमें बड़ी खुशी हुई बाबा जी। फिर छत पे जाएंगे कि छत से कुछ मिल जाए। कैसे कैसे दिन आ गए गाइस, कहाँ हम लूट लेके घूम रहे होते थे और आज हमारे पास एक एक बैंडेज हमें मुश्किल से मिल रहा है। फिर यहाँ पे हमें थोड़ी सी लूट मिल गई, जल्दी से उठा लिया हमने, टैप 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 टैप। बाबा जी लूट करने के बाद ये थोड़ा सा आगे का जोन के बाहर का जो जोन के अंदर मतलब हाँ सेफ जोन का जो एरिया था ना, यहाँ पे थोड़ी और लूट की थी, फर्स्ट एड वगैरह मिल गए थे। उसके बाद हमने उठाई अपने 3 सीटर और हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जोन का डैमेज वैमेज फ्री में लेने का फ़ायदा नहीं था, बूस्टर वगैरह हमारे पास थे नहीं। तो सामने की कुछ जगह लूटी मैंने, उसके बाद 3 सीटर उठाया और यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। तो हम मतलब ये फायरिंग हो रही है लेफ्ट पे, जो रोजॉक का हिल है ना, पहाड़ है, उसके ऊपर बंदे थे। तो हमने अपनी जो थी हमारी 3 सीटर, जिसको गाइस इस जो बाइक को ना लोग सिर्फ और गाड़ियाँ यूज़ करने लाइक ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, बस जब इसमें बैठेंगे और गाड़ी ढूंढेंगे। भाई मैं मेरे यहाँ पे 3 सीटर है, मैं गाड़ी ढूंढ के लाता हूँ, उसको यूज़ करते हैं सिर्फ गाड़ी ढूंढने के लिए। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार इस 3 सीटर ने आपकी जान बचाई होगी, जैसे आज हमारी बचाई जोन में आने के लिए। लेकिन फिर भी बेचारी को इतना हेट मिलता है। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी जा रही थी, साइलेंट उसको मारा था, उसने गाड़ी ठोक दी जाकर दूसरी गाड़ी। अभी हमें मैंने DP6X से एक बंदा डाउन किया, दूसरा बंदा गाइस उनका दरख्त के पीछे हो। जब बंदा दूर हो ना तो आप लेट स्प्रे किया करो, उससे क्या होता है कि अब गाइस जो नॉक था उसको डैमेज हुआ थोड़ा सा। ओके, लेट के स्प्रे से आपका रिकॉइल एकदम कंट्रोल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है और आप ईजिली स्प्रे कर पाते हो दूर तक। अभी तकरीबन 200 meters है और बिल्कुल साथ में गाइस नज़र आ रहा था, वो उसका हाथ नज़र आ रहा था और वो पहले से लो था, तो मैंने तुक्के पे गोली मारी वहाँ पे गन की तरफ। आप जूम करके देख सकते हो कि वहाँ पे बंदे का ना मतलब गन सी शो हो रही थी और वहाँ पे बंदा हो गया डाउन। अब जो दूसरा बंदा है इनका, वो अभी भी दरख्त के पीछे बैठ के वेट कर रहा है कि कब स्मोक भी कितनी गलत की, लेकिन स्मोक कहाँ की जहाँ पे बंदे हैं भी नहीं, और वो जैसे ही गाड़ी की तरफ भागा मैंने अभी डाउन कर दिया गाइस। DP बड़ी पावरफुल गन है, लाइक ये वाकई में पावरफुल है। इसका एक जो है ना गाइस चीज़ है नुकसान वाली कि रिलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और दूसरा नुकसान वाली चीज़ है इसकी फायरिंग स्पीड, मतलब जो गोलियों की स्पीड है ना गन से निकलने की, वो बहुत आराम आराम से निकलती है, ऐसे टन 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 ऐसे निकल रही होती हैं। लेकिन ग्रोज़ा है, उसकी फायरिंग स्पीड बहुत तेज़ है, ग्रोज़ा की कितनी जल्दी गन रिलोड पे लग जाती है आपको पता नहीं चलता। तो मतलब जितनी जल्दी गोली निकलती है डैमेज उतनी जल्दी देती है, लेकिन यहाँ पे DP की क्लोज रेंज में आप DP यूज़ करते हो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो एक तो रिलोडिंग टाइम, दूसरा इसका जो फायरिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है। फिर बाबा जी इनकी क्रेट्स लूटी हमने यहाँ पे, काफ़ी मतलब लूट देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया था हमारा, मज़े से लूट की। मेहरान गड्डी में बैठेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे फ़ौरन, क्योंकि 20 बंदे अलाइव थे, 8 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे और हमें जाना था जोन के एकदम सेंटर में। तो फिर भागे भगाई अपनी मेहरान गड्डी लगा के 5 गियर, और यहाँ पे हमारी टीममेट की घटिया ड्राइविंग आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर फ़ौरन से लेट गया, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक US खड़ी है और हमारा था कि अनोनिमस हाउस में अंदर बंदे कैंप कर रहे होंगे, तो हमारे टीम में भूखे नंगे टीम में जिनके पास हज़ारों ग्रेनेड उठे हैं, उन्होंने बरसात कर दी नेट्स की। एक नेट ब्लास्ट हुआ, दूसरा ही मेरे मुंह के आगे पड़ा है, अचानक से ऊपर जा रहा था, मेरी बैंड बज जाती मैंने टाइम पे देख लिया। 2 नेट फटे, ये तीसरा आई गेस फटा, 3-4 नेट कर दिए थे उन्होंने। क्रेट्स पड़ी हुई थी यहाँ पे, इसका मतलब फाइट हुई थी, बंदे मार मार के फाइट लेके यहाँ से निकल लिए थे। और गैस इतनी देर में ना यहाँ पे आ जाएगी एक गाड़ी, फायर किया ये गाड़ी ना नीचे रुकेगी। और गैस वो जो ऊपर गए ना राइट पे देखो, टॉप पे जो साइड पे घर हैं वहाँ पे मीटअप वाली पब्लिक हमारी है, लाइक वो मार नहीं रहे थे, हमने पहले स्पॉट कर लिया था उनको, उन्होंने हमें कर लिया था, लेकिन मैं शॉट्स ले रहा था तो वो लोग जंप कर रहे थे, तो हमें पता है वहाँ पे मीटअप वाले हैं। अब ये बेचारे फंस गए, ऊपर से मीटअप वाले इनको मार रहे हैं, अरबियों को यहाँ से मार रहे हैं इनको, हम लोग नेट की बरसात कर रहे हैं, ये एकदम बेचारे काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं।
भाई साहब आए भागते हुए, इनको नॉक किया और मैंने फिनिश भी किया क्योंकि मैं नहीं चाहता मीटअप वाले भाई लोग हमारे किल चुरा लें। फौरन से किल कंफर्म किया, और फिर इन दोनों को भी यहाँ पे डाउन किया गाइस, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे किल हो गए थे। तो ये जो ऊपर भाई लोग थे ये वो थे, अब सर्कल का भी छोटा था तो अलग अलग रुक नहीं सकते थे, तो भाई लोग को बोला भाई साथ ही रुक जाएं, लेकिन हम लोग अपने कपड़े ड्रॉप कर देते हैं ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए और आपके लिए भी। और ये जो भाई है ना, अब ये सिर्फ सोलो हैं, इनका कोई नहीं है लाइक टीममेट। इतने ज़्यादा मीटअप हो गए थे ना गाइस, इतने ज़्यादा मीटअप हो गए थे, 4 से 5 टीम थी। एक हमें मिली जॉर्जो में, और यहाँ पे अलग अलग हैं ये जो भाई करीब बैठे हैं, ये अलग हैं। दो भाई सोलो सोलो थे और बाकी 3 लोग अलग थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मुझे याद भी नहीं है अब तो। दो बंदे ऐसे हैं गाइस जो फाइट लेने वाले हैं, बाकी सारे हम लोग ही थे। तो अभी लोग फाइट वाइट ले रहे थे, अब इतनी देर में लेफ्ट से एक बंदा सांप उठता है, वो एक बार मैंने अचानक से देखा, डीपी से डाउन किया। अब ये नॉक पड़ा हुआ है, इसका एक टीममेट जो होता है ना गाइस वो काफ़ी करीब होता है लेकिन एकदम हमारे बैक साइड पे होता है। अब साइलेंट को आप देख सकते हो, ये था ऑफलाइन, तो जो इस अब्दुल्ला भाई का टीममेट था ना, उसने क्या किया, साइलेंट को जाके नॉक कर दिया। मैं सोच रहा था जाके फिनिश करूँ लेकिन इतनी देर में साइलेंट भैया की बैंड बजने की खबर हम तक आ जाती है, तो मैंने फ़ौरन से दुड़की लगाई। बेशक हमारा नॉक टीममेट है, उनकी ज़िंदगी तो बचानी है ना, तो हम फ़ौरन से उस साइड पर भागे। हेल्थ काफ़ी कम है साइलेंट की, और नीचे वो बंदा यहाँ पर था, तो मैं जंप करके स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था कहाँ पर है। तो जैसे ही भाई हमें नज़र आए, हमने इनको यहाँ पर फिनिश किया। अब सारे गाइस हमारी पब्लिक बची थी, और यहाँ पर मैंने गपशप लगाई, लेकिन बंदे इतने ज़्यादा थे ना, अगर एक टीम होती ना तो मैं चिकन दे देता, अब बंदे ज़्यादा थे तो बस मैंने बोला भाई आप लोग, और गैस बंदे ज़्यादा थे तो बस मैं किसी एक को चिकन देता ना तो दूसरे का दिल टूट जाता, तो मैंने कहा भाई आप लोग चिकन देना खाओ, मैं जाके जोन के डैमेज से फिनिश हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था 3 टीम्स हैं, किसी एक को भी दे दूँ और बाकी 2 का दिल टूट जाए, तो बस मैं चला गया। और फिर जो यहाँ पे हुआ होगा वो आप सबको अच्छे से पता है, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैं जोन का डैमेज लेके मर गया। मैंने कहा भाई आप लोग को चिकन मिलना चाहिए, तो बस यहाँ जोन का डैमेज लिया और फिनिश हो गया, और हमारी पोजीशन आई थी 3rd आई थी आई गेस। और यहाँ पर भाई दंगा फसाद शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लग गए ये लोग जी। और गैस उसके बाद होता है 1v1 TDM, जिसका बहुत वेट कर रहे थे आप लोग, लेकिन मैं अपने टीममेट को बोला था कि भाई आप ना ग्रोजा यूज़ कर लो और मैं सिर्फ M24 यूज़ करूँगा, थोड़ा सा फेयर हो जाएगा। तो उनको ग्रोजा दे दी और मैं कर रहा था यूज़ अपनी M24। और एक और बात आपको बता चलूँ, जैसे आपको पता ही है ये हमारी वाइफ हैं, तो अभी इनको कोई चैनल वैनल नहीं था, तो मैं सोचा बना के दे देता हूँ, तो मैं आज इनको बना दूंगा एक चैनल, तो ऐसे ही फन के लिए ना अपना गेम प्ले डाल देंगे। नो भी है मेरी तरह, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो लिंक ना नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन खोलना टॉप पे गाइस लिंक मिल जाएगा, जाके ना नो को सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल है, मैं भी समटाइम अपनी वीडियो बना के डाल दिया करूँगा, तो बस ऐसे ही सपोर्ट हो जाएगा। तो आप जाके कर सकते हो, ये 1v1 था, और ये कैंपिंग लेवल तो आप देखो, आपको पता है साथ खेलती रही नो, तो आपको पता है कैंपिंग लेवल क्या है, तो मतलब कैंप करके इतना गंदा पिट रहा था ना मैं। अब मैंने देख लिया गाइस जहाँ पर है, तो मैं साइड से गया, स्कोप ओपन किया हुआ है, जैसे ही आओगे कान के नीचे लगाएंगे आपका क्रेट बनाएंगे, आइए ठा करके मारा फौरन से आते ही। तो ग्रोजा गाइस ऐसी गन है ना, अगर आप मैं एक भी M24 यूज़ करूँ ना तो बैंड बच जाएगी, और यहाँ मैं कैंपिंग कर रहा था और हमारी बैंड बच गई। मेरे को मज़ा आता है कैंप करके मारने में ना, 1v1 कैंप करके लेट जाओ कहीं पर और फिर मार दो, तो बड़ा मज़ा आता है गाइस। तो 2 किल उनके थे, 1 किल मेरा था, और यहाँ पे बड़ी कोशिश की मैंने ग्रोजा से बचने की, लेकिन हमारी बैंड बच चुकी है, 3 किल हो चुके हैं, मेरा जस्ट 1 है, और ये मैं मिस किया, बट यहाँ मैं मार दिया, तो हमारे हो चुके थे 2 किल बाबा जी, और उनके हैं 3 किल। अभी भी हम लोग थोड़ा सा हार रहे हैं, और पता है आजकल क्या कमेंट आते हैं, कि हम अनोनिमस की पब्लिक नहीं है, हम हैं स्टारडियो की पब्लिक, नहीं मतलब क्या आप पार्टी बदल लोगे, कितनी बुरी बात है। और यहाँ पे हो गए थे 3 किल मेरे और 4 किल उनके, और फिर मैं कैम करके मार रहा था, और फिर मैं पिटने वाला हूँ आई गेस, ओके नहीं मार दिया, 4-4 हो गए थे किल, फिर मैं कैम कर रहा था 5 किल कर दिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस, फिर से कैम कर रहा हूँ, शॉट मिस किया, ग्रोजा से बैंड बज गई, 5-5 किल ठा करके मारा, कान के नीचे लगाया, वापस जाओ भागो यहाँ से, फिर से भागो यहाँ से, 7 किल हो गए थे, 5 किल उनके थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था एक दूसरे को, ऐसे मतलब TDM में ना 1v1 बहुत मज़ा आता है हम लोग को।
8 किल मेरे हो चुके थे गाइस, नेड निकाला और ये नेड फटना चाहिए था। क्लासिक होता ना, इतनी नेड में बंदा मर जाता है, बट टीडीएम में नेड का डैमेज कम देखा गाइस मैं। फिर मैं कैंप करके मारा यहाँ पे गाइस, कितना मजा आता है कैंप करके मारने में। कभी ट्राई करना कैंपिंग करके मारना, आए हाय 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 क्या मजा आता है। लेकिन गाइस जब मेरे किल ज़्यादा होने लगे ना, तो मुझे एक चीज़ लाइक थोड़ी सी बुरी लगने लगी कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं देखो 7 की स्ट्रीक मार चुका था और अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं लाइक मार रहा हूँ। तो फिर मैं ना यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया इस किल के बाद कि मैं जानबूझ के हारूंगा। तो ये देखो मेरी एक्टिंग देखो यहाँ से आप, ज़मीन पर गोलियाँ मार रहा हूँ। लाइक मैं चाह रहा था कि जाहिर ना हो कि मैं जानबूझ के हार रहा हूँ। नूब को पता है कि मैं जानबूझ के ना हार जाता हूँ ऐसे समटाइम। अब देखो मैं देख लिया था, आपको पता है जंप कर रहा था तो नज़र आ गया था एनिमी यहाँ पर है। फिर से मैं एक्टिंग की और जानबूझ के मर गया। अब देखो मेरी गोलियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, एक्टिंग हो रही है। आपका अनोनिमस एक्टिंग भी कर लेता है देखो, और फिर से बैंड बच गई। तो यहाँ था मेरा के जाहिर ना होने दूँ बट जिता दूँ एक्टिंग करके। तो यहाँ एक्टिंग हो रही है, ज़मीन पर गोलियाँ मारी जा रही हैं। हाँ हाँ हंस लो हंस लो, बनता है आपका हंसना। फिर से एक्टिंग हो रही है एक्टिंग। ओके यहाँ पर गलती से मर गया, मैं ज़मीन पे मार रहा था वो पाँव पे लग गई गोली। ओके ये समटाइम अच्छी एक्टिंग हो जाती है इसका मतलब। और ये फिर से ज़मीन पे गोलियाँ लगेंगी, हमारी बैंड बच चुकी है। लेकिन लीड काफ़ी ज़्यादा बना दी थी गाइज मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर से ज़मीन पे गोलियाँ मारी जा रही हैं, लेकिन बैंड बच गई हमारी, जल्दी से लीड कम हो रही है। क्या 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 स्नाइपिंग है मेरी, क्या एक्टिंग है मेरी गाइज देख लो। अच्छा एक्टर अनोनिमस होना चाहिए गाइस कमेंट। अब मैं जानबूझ के ऐसे नेड कर रहा था, देखो कितना अच्छा नेड हो रहा है, ऊपर ऊपर में खड़े होके नेड हो रहा है और वो भी कहाँ रहा है, दीवार पे लग के वापस आ रहा है। एक्टर अनोनिमस सबके सब कमेंट कर देना। तो गाइस यहाँ पे 2 ही किल का फ़र्क रह गया था और टाइम बड़ा कम रह गया था, सिर्फ 40 सेकेंड्स थे। और लेकिन ना शक हो चुका है कि भाई मैं जानबूझ के मर रहा हूँ, क्योंकि जब सामने वाले की इतनी ज़्यादा स्ट्रीक चली जाएगी उसको शक तो हो ही जाएगा। तो अब इसने ना मारना छोड़ दिया था, लाइक यहाँ पे जानबूझ के मुझे चिकन देने की कोशिश हो रही थी या मेरी चिकन वहाँ देने की कोशिश हो रही थी। तो बस उनको चल गया था कि मैं जानबूझ के मतलब मर रहा हूँ। अब इतनी कोई एक्टिंग करे, ओवर एक्टिंग करेगा तो समझ तो आ जाएगी। फिर जब उनको पता चला ना, तो मैं बस मार दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ड्रॉ हो जाए। पब्लिक को होता कि इतना मतलब इतने टाइम बाद मैच आया और ड्रॉ हो गया, तो लाइक ये दोनों को ही पता चल रहा था मैच में क्या हो रहा है। बट हाँ फिर मेरे को मारना पड़ा ताकि ड्रॉ ना हो, और कुछ ऐसे करके विक्ट्री हमें मिली। तो काफ़ी मज़े का मैच था, आप लोगों ने भी देखी मेरी एक्टिंग। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, और सबके सब जाके ना सब्सक्राइब कर देना चैनल उनका, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी बनाना पड़ेगा पहले तो मुझे बैठ के, और फिर बस नूब वाला गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ मिलता है वहाँ भी मिल जाएगा। बाकी गाइस मेरे को अगर बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।